चेक करो ये वाली शीट है भाई। तो अभी ये चेक करो भाई, ये टैंक हमारा देखो भाई कितना ग्लॉसी शाइन कर रहा है। ओके, तो इसमें ना पूरा पीपीएफ हो गया। खोल के देख, खुद से अच्छा लग रहा है। खोलो खोलो, तुम्हारे लिए तुम खोलो। वाली गाड़ी को ना यहाँ से धक्का देके निकालना पड़ेगा, कॉज ना आगे निकालता हूँ ताकि मैं गाड़ी अंदर लेके जाऊँ, ताकि बैटरी का जो कनेक्शन है ना एकदम से सही आ जाए। सही है ना, स्टार्ट कर। वेरी गुड। तो अभी मैं अपनी फुल फैमिली को मैं बताऊंगा कि भाई 3 दिन मेरे को राइड करके इस बाइक को कैसा लगा। गाइस आज के इस व्लॉग की शुरुआत डायरेक्ट करते हैं अपनी कार से। पहले ना मिरर्स वगैरह बंद कर देते हैं, कॉज ना बाहर का नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। तो अभी फिलहाल आप सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। अभी मेरे फ्रेंड को ना एक हेल्प की जरूरत पड़ गई, जिसके साथ मैं दिल्ली में रहा था जब हम सुपर बाइक लाने गए थे। उनकी गाड़ी ना भाई घर पे ही बंद हो रखी है, कॉज उसमें ना बैटरी वगैरह डेड है। तो बोल रहा था कि मेरे घर आ जा भाई अपनी गाड़ी लेके, तो भाई उसको ना मतलब चार्ज वगैरह करते, कॉज 2 बैटरी को कनेक्ट करते। अब मैं सोचता हूँ भाई ये मेरा, यार कोई बात नहीं ना, जल्दी से जल्दी इस काम को करके आते हैं। सेम चीज, कोई बात नहीं, ट्रैक्टर आ गया था भाई आगे से। वैसे मैं देखता हूँ आगे भी, ऐसी बात नहीं कि व्लॉग करते करते मैं बस कैमरे की तरफ ही देखता हूँ। तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं रे को राइड कर रहा हूँ ना तो उस पर ना टैंक पे सारे स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं भाई, मतलब ना पता नहीं क्यों छोटे छोटे स्क्रैचेस पड़ गए। अब मैं सोच रहा हूँ ना उस पर पूरा ना पीपीएफ करवा दूँ, आज तो ये काम करना ही करना, कॉज नहीं तो ना फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, टैंक खराब हो जाएगा मेरा पूरा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि भाई मेरे को अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिखना है। वाली गाड़ी को ना यहाँ से धक्का दे के निकालना पड़ेगा, कॉज ना आगे निकालता हूँ ताकि मैं गाड़ी अंदर लेके जाऊँ। दोनों गाड़ियों को टच करना है आपस में, ठीक है। बैटरी इनकी निकाल के इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मुझे भी नहीं खोलना आता था, मुझे भी नहीं। ओ भाई क्या बात है यार, इसकी बैटरी वो है एक्साइड की, वहाँ पे गाड़ी की ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है हमारी वाली, कॉज आपको पता है ना हमारी फैमिली कार है भाई, तो पेरेंट्स ड्यूटी वगैरह पे चले जाते हैं, मेंटेन नहीं है भाई इतनी। देखो क्या जंग लगा हुआ है। तो तेरी बाइक गाड़ी में टच होगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये देखो दोनों गाड़ियाँ हमने एकदम से साथ में रख दी ताकि बैटरी का जो कनेक्शन है ना एकदम से सही आ जाए। सही है ना, परफेक्ट है, बिल्कुल टायर के साथ टायर मिला दी। जंप स्टार्ट वाली केबल्स होती हैं तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये वाली है, ये रेड वाली है। ये मुझे पता है पास्टी उसकी कौन सी, ये देखो। अगर उल्टा हो गया अंकल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अंकल के पास सब कुछ है, ऐसी थोड़ी बोरे, कौन से इंजीनियर थे अंकल आप? ऑटोमोबाइल इंजीनियर है भाई। आज आज बता रहा कि कैसे गाड़ी को बैटरी स्टार्ट करना पता, मेरे को पता अंकल बोलते। ये लगा हुआ था पता है, एफएम लगा हुआ था। अंदर सेल्फ क्यों नहीं दे? अभी ये इसको कस के लगाना पड़ता है ना, ढीला ऐसे रखेंगे स्पार्क पे। मुझे लगता हो जाएगी अंकल, अंकल हो जाएगी, अंकल हो जाएगी, कोशिश करो आप। कर यार स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर। वेरी गुड, कर आपका स्टार्ट हो गई हो। अंकल को नहीं दिखा स्टार्ट कैसे करनी है। जंप स्टार्ट नहीं हुआ हमारी कार का, तो क्यों हमारी बैटरी जो ना वो लोड नहीं उठा पा रही इतना ज्यादा। तो अब हम बैटरी को खोल, वायर लोड नहीं उठा पा रही है, बैटरी को डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखते तेरे भी साइलेंसर ऐसे निकलते ना। हाँ गाइज ऐसे बिल्कुल सेम इनलाइन 4 हमारी कावासाकी Z900 भी है, जैसे इसमें 4 सिलेंडर बाहर निकल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 तेरी गाड़ी बिना बैटरी की। कोई बात नहीं यार, तू रख ली मेरी बैटरी यार। शादीपुर में जब मैं दिल्ली आया था तो तब तूने कितनी मेरी हेल्प की थी, क्या मेरा ये नहीं बनता कि तेरी गाड़ी अगर आज खराब है मैं ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता भाई। चलो चलो आप आएंगे, रुके रुके अभी नहीं मार रहा हूँ वो गधे। एक मिनट, अभी 2 बैटरीज को कनेक्ट करके रखा है इसमें। अब ना फिर भी कह रहे कि धक्का देना पड़ेगा थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए, कॉज बैटरी बिल्कुल डेड थी। तो चलो कोशिश करते हैं। ओ भाई सच में होगी यार, अपनी फैमिली कार देखो भाई यहाँ। इसके साथ ना मेरे को बहुत प्यार है भाई, घर वाले आज इसको घर पे रखे गए, पापा मतलब छोड़ के गए, यहाँ पे हम इसको वापस बैटरी इंस्टॉल करवाते हैं, कॉज दूसरी वाली गाड़ी स्टार्ट हो गई और निकलते हैं। तो बोल फैमिली, अभी मेरी प्यारी सी बहन ने एक प्यारी सी सब्जी बना के रखी थी यहाँ पे, और ये चेक करो मेरा भाई भी आ गया स्कूल से। हाय बोल बोल फैमिली। हाय। तो अभी जस्ट आया और ये और मैं किचन में, कॉज हमारे पेरेंट्स ना जॉब पे होते हैं, तो मैं ये चेक करके बता दूं तुम्हें, मैंने ना किसी के लिए आज सब्जी पैक करी और उसमें ना चावल भी रखे हैं। एक्चुअली मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगी और साथ में आलू की कड़ी या क्या बोलते हैं, तो मैंने सोचा ना श्वेता के लिए यहाँ से ना खाना पैक करके लेके जाऊंगा, क्या रिएक्शन होगा। इसको प्रॉपर लगाएंगे यहाँ से और यहाँ से। ओके, कौन से दिन आ गए, दिन में ना 2-2 बार नहाना पड़ रहा है, कभी ऐसा होता था 3-3 दिन नहाते ही नहीं थे भैया। पीछे हमारी रेल लग रही है एकदम से खूंखार तरीके से, तो इसको ना हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। ओ भाई ये फीलिंग जो है ना भाई, जब बाइक स्टार्टिंग मॉर्निंग में स्टार्ट होती है तो बस इतनी आवाज तभी आती है, तो जब आप दिन को इसको बार बार स्टार्ट करोगे फिर इतनी आवाज नहीं करती है, कॉज कोल्ड स्टार्ट मॉर्निंग में एक बार ही होता है। जहाँ से ये हेडर्स दिखते हैं ना नीचे वाले पोर्शन से, यहाँ से ना बहुत प्यारी लगती है, पता आपको। तो एक ही बंदे की टेंशन है जो इस बाइक को छेड़ सकता है, वो है मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन है। ये देखो टायर्स के पीछे जो छुपा है ना, ये जो चीज है, ये बंदा,
ये बंदा इसको स्क्रैच ना डाल दे, कॉज इसके पंजे जो है ना बहुत हार्ड है, अगर इसके ऊपर चढ़ गई तो भाई मतलब समझो तुम बाइक खराब पूरी हो रही है। भाई बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके पता क्या बोल रहे थे कि भाई इसके ना मिरर्स निकाल दो यार। मैं सोच रहा हूँ यार नई नई चीज़ है, मेरे को इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। अभी कह रहे थे कि जीनोसो मिरर लगा के अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं अभी तक। भाई जो ये मिरर होगा ना, मुझे लगता है यही 6-7 thousand रुपीज़ का एक एक मिरर होंगे। लेकिन अभी नई चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि ना कोई भी चीज़ इसमें निकालूं। तो सारी चीज़ें निकाल देंगे आस्ते आस्ते, जो तुम बोलोगे भाई। तुम चड्डी खोलने के लिए बोलोगे तो वो भी खोलनी पड़ेगी मुझे। भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुननी पड़ती है। फुल फैमिली हो यार आप मेरी, यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। चीज तो मैंने नोटिस की भाई, वो ये की कि भाई अगर तुम नॉर्मल पेट्रोल डालते हो उसका माइलेज बहुत ज्यादा कम है, और XP95 ना माइलेज अच्छी दे देता है तुम्हें, ठीक है। इतना बड़ा सांड है तो उसको अगर पालना है तो भाई तेल तो पिएगी यार, कोई बात नहीं यार। हमें इससे प्यार भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे वुल्फ चले गई है ना, जितना सारा प्यार इसके साथ मैं करता था ना वुल्फ के साथ, अब मैं उसका रे के साथ करने लगा हूँ, ठीक है। इसको ना यहाँ पे थोड़ी स्क्रैचेस लग रही है, मैं सोच रहा हूँ PPF करवाने जाएंगे इसका अच्छे से, तो भी प्रॉपर कोटिंग करवाएंगे, साथ में अपने YouTube चैनल का नेम भी लिखेंगे, कॉज इस पे हमारे कोई भी निशानी नहीं है। जैसे आपको पता है वुल्फ हमसे दूर चले गई है, मेरे चैनल का नाम दी वाइल्ड वुल्फ उसी के नाम का चैनल था, लेकिन अब ना बस उसकी यादें रह गई है वुल्फ की, और मैं वाइल्ड वुल्फ यहाँ पे लिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे अच्छा लगेगा। ये हमारा बंदा भी वेट कर रहा है भाई बाबू प्लाजा में, कॉज मैंने उसके लिए खाना पैक करके लाया हुआ था आज। मैंने बोला आज घर का खाना टेस्ट करेगी वो। गाइस एक बात तुमसे शेयर करनी थी, खुश हो गया हूँ अपनी लाइफ में वापस। पहले ना थोड़ा डिप्रेस रहता था, लेकिन अब मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा स्मूथ हो रही है। दिन ब दिन मैं व्लॉग्स पे कांस्टेंट हो रहा हूँ, मैं डेली व्लॉग करूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप अपने भाई को ऐसे ही बिल्कुल सपोर्ट करा किया करो, तो कमेंट करके बताओ क्या चल रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में। तुम तो मेरा हर कुछ जानते हो कि भाई आप यहाँ गए वहाँ गए राइड पे गए, जैसे तुम्हारी जिंदगी में सारी चीजें चलती है भाई, तो वो तुम मुझे बोलो। नहीं पता हम कहाँ पे बैठे हैं, बट ये कह रही थी मैं यहाँ पे तेरा वेट कर रही हूँ, तो मैंने ना इसके लिए मतलब मैंने तुम्हें बोला था घर से पैक करके लाया हुआ था खाना, तो मतलब घर का खाना कैसा लगेगा इसको मुझे नहीं पता, और कैसे रिएक्ट करेगी। सच में लाया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। रोज भाई बाहर कभी मोमोज, कभी चिल्ली, कभी लेमन, कभी पता नहीं क्या। ये देखो आज भाई ये चीज़ें मेरे को भी तो अच्छी लगती नहीं थी, मेरे को भी आदत डाल दी है इसने इन चीज़ों की। खोल के देख खुद से अच्छा लग रहा है। खोलो खोलो तुम्हारे लिए लाया, तुम खोलो। नहीं मुझे भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, मैं कुकिंग कर लेता हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। जो तो बोलेगी वो मैं बना लूंगा, क्या बोल के कौन कौन सी चीजें बनानी है, दाल सब्जी रोटी सब। रोटी थोड़ी लंबी हो जाती है एक तरह से, एक तरह से छोटी। पंजाबी में क्या बोलते हैं, टोटा, मक्की का टोटा, वो टूट जाता है मुझसे, वो मुझसे टूट जाता है बस। अपने घर का इतना अच्छा नहीं रहता इतना दूसरे के घर का लगता है, थोड़ी ना यूनिक सी बात लगती है, तो चलो कोई बात नहीं। सो गाइस अभी हम श्वेता को भाई बोलते हैं यहाँ से। भाई बोलना कि कुछ और करना है, अब काम तो है, कोई और काम तो नहीं करना है। कहाँ जा रहे हो अब ये बताओ, सिटी बाइक जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो? हिल्स किस लिए चाहिए? हिल्स रैमबॉक के लिए। तूने मेरे घर के खाने की तारीफ नहीं की, छोड़ यार। मैंने नहीं की, अच्छी बनाई थी तुम्हारी बनाई। अच्छा तुम नहीं बना सकते, अब कुछ आता है मुझे, जो तू बोलेगी तू बोलेगी मेरे को बनाने के लिए, तो तेरे लिए बनाना पड़ेगा, चाहे फुल्का टेढ़ा बने या सीधा बने, कुछ ना कुछ करके तो बना ही लूंगा। तू खुश हो जानी चाहिए, नहीं दांत तेरे बाहर आने चाहिए जो दांत बाहर निकल रहे। लोग इरिटेट हो रहे मेरी वजह से यहाँ पे, मैं बहुत गंदा हूँ भाई। सो गाइस अभी हम निकलते हैं यहाँ से, फुल पावर PPF ही करवाना है, इसमें लेमिनेशन कोटिंग वगैरह सारी चीजें कर देंगे। हमारे ना रोमी भैया थे यार, वो अभी ना घुमट से कहीं दूसरी शॉप पे चले गए हैं, तो चलो उनको ढूंढ के आते हैं। ये चेक करो अपनी खूबसूरत सी जम्मू की सिटी भाई, भाई कसम से भाई बहुत मजा आ रहा बाइक राइड करने में। मतलब मैं तुम्हें ना बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितना इंजॉय कर रहा हूँ इस फील को, मतलब जो स्टॉक वाला जीनोसो है। तो अभी मैं अपनी पूरी फैमिली को मैं बताऊंगा कि भाई 3 दिन मेरे को राइड करके इस बाइक को कैसा लगा। सबसे पहले मेरे को इसकी जो सिटिंग पोस्चर है, देखो जैसे मैं आराम से कंफर्टेबल होकर बैठा ना, ये सबसे अच्छा लगा। हाँ पिछला बंदा जो है ना भाई, उसको बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो ना बहुत ऊंचा रहता है, मतलब कंफर्टेबल है ऐसा लगता है, बड़ा स्मूथ सा कोई बड़ा जहाज सा पकड़ा हुआ हाथ में तुमने। लेकिन मेरे को इसकी चीज सबसे अच्छी जो लगी है वो इसमें है भाई, कि आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब मोड जो है रेन रोड और स्पोर्ट्स मोड, जो 3 मोड दिए हुए हैं इसके, ठीक है, उसकी वजह से आप पावर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं न्यू मतलब हूं, मेरे पास मैंने कभी सुपर बाइक नहीं चलाई थी, मैंने रेन पे रख दिया मजे से, आराम से मैं चला रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। अगर यही मैं अगर BS4 लेता तो वो एकदम से रॉ मशीन थी भाई, अगर उसमें ना मतलब थ्रॉटल ज्यादा देते इतना बंदा इरिटेट हो जाता है ना, कॉज थोड़ा थ्रॉटल देके आगे से बाइक खड़ी हो जाती है। जो है कि भाई आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो। उसमें तीसरी चीज जो है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल है, मतलब अपना इनिशियल जो ड्रिफ्ट होता है ना टायर का सुपर बाइक में बहुत ज्यादा होता है, अगर तुम ट्रैक्शन मोड ऑन रखते हो तो वो ड्रिफ्ट है ना वो टायर नहीं करेगा, तो आप ना गिरोगे भी नहीं, बैलेंस खराब नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये 3 चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगी इसकी। लोगों को ऐसा लगता होगा जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स होती है भाई उसमें ना हैंडल नहीं कर सकते, मतलब उसमें हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होती है। मैं सच बोल रहा हूँ कि भाई सारे लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये मॉन्स्टर जब तुम इस पर बैठोगे ना तुम्हें सच में लगेगा कि मैं पावर जो है ना
मैं बिल्कुल हैंडल कर सकता हूँ प्रॉपरली, हर एक चीज इसमें ब्रेकिंग अच्छी है, सारी जो सस्पेंशन अच्छा है, इतना ही बता दूंगा। लेकिन लेना तो भाई BS6 मॉडल लेना, BS4 नहीं लेना भाई। जो नया नया बंदा भाई सीख रहा होता ना भाई ठुक जाएगा, सच बात बोल रहा हूँ, पावर बहुत है। मेरे बुरे वक्त में जो भी बंदा मेरे साथ होता है ना, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता भाई। ये जी हम इंसान को कभी भूलते नहीं है जो हमारे साथ दिल से कनेक्ट है ना। ये देखो भाई यहाँ रोमी भैया ने रोमी मॉडिफायर न्यू वाली शॉप खोली है यहाँ पे। हाँ एक टाइम वो भी हुआ करता था रोमी भी, एक टाइम वो भी हुआ करता था, हम आरएस पे आते थे ना। आज तो ये इसका कलर है, ये चेक करो रोमी भैया ने फिट की भाई, आप डिस्प्ले सही हो जाएगी ना, इतनी शाइन है। जब वो लगेगी ना तब उसके बाद देखना मेरे को एकदम बिल्कुल, ये तो ऐसी ग्लॉसी है। चेक करो ये वाली शीट है भाई, इसके ऊपर एक और शीट लगी है जो कि हम उठाने वाले, हटाना होगा आराम से हटा पाऊंगा है ना। नहीं यार बबल शबल नहीं लाता रोमी भैया यार, वो छोड़ो तुम इनका काम, हमें आज भी पता है, 2 साल पहले भी पता था। क्या काम करना है तो कैसा करना है? हमारा काम एक नंबर है, 0 वाला हमारा काम ही नहीं है। 2 नंबर का काम करना है भाई, घूमट में जाओ। ये घूमट नहीं है ना यहाँ पे, ये कौन सी शॉप है? ये भाई प्रेम नगर में। क्या चाहोगे रोमी भैया इस पे पीपीएफ के बारे में? भैया 500 बंदों को यहाँ पे खड़ा कर दो, उनको बोलो कि भैया मैंने इसको पीपीएफ करवाना है। वो ये बोलेंगे भैया करवा लेना चाहिए, स्क्रैच पड़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता ऑलरेडी कर दी, ये कर लिया हुआ है भाई, ये दिख नहीं रहा है इसमें, मतलब इतना सही है ना प्रॉपर वाला, मतलब पता ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा कहीं से कि इसमें पीपीएफ हुआ है। अब ये वाले जो कवर्स है ना, ये भी रोमी भैया ही उतारेंगे इसमें, ठीक है? वाली सीट आई ना प्रॉपर वाली जीनोस वाली। चलते हम काफी ज्यादा लेट हो गए, तो अभी ये चेक करो भाई, ये टैंक हमारा देखो भाई कितना ग्लॉसी शाइन कर रहा है। ओके तो इसमें ना पूरा पीपीएफ हो गया, बस मैंने ना इसी पोर्शन में कराया, कॉज अभी मैंने बोला कि मैं कल फिर से आ जाऊंगा। सो गाइस अभी चलते हैं श्वेता के पास, उसको ना हील कहीं से परचेज करनी थी, शायद ना उसने परचेज कर ली होगी, तो अभी ना भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी यार यूट्यूब चैनल का नेम ना कल लिखूंगा मैं कभी, कॉज अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया था यार, मैं सोच रहा था कहीं भी अगर थोड़ा स्क्रैच वगैरह पड़ जाए अंधेरे में तो क्या फायदा है ना। सो फाइनली गाइस अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे भाई सिटी वॉक एक जगह का नाम है यहाँ, जहाँ पे हील्स वगैरह मिलती है, तो श्वेता वहाँ पे गई हुई है। हील्स बताओ फिर, ये लगाई हुई है दो, मतलब एक के साथ एक फ्री मिल गई है। अच्छा तो दूसरी वाली क्या ली, वो तो दिखा, एक दूसरे अंकल जो तुम्हें दिखाने वाले, अंकल जी दिखाओ जी कैसी ली। अच्छा वाकया यार वाकया, इतनी महंगी महंगी हील है फ्री में बिल्कुल यार, हाँ खुश है अब तू? फ्री भी नहीं है फिर, प्राइस कितना है? घर पे पहन लेती ना इसको, इधर ही निकाल के जूता उधर रख दिया है। अच्छा मतलब ड्रेस के साथ किया ना मैंने। अच्छा क्या कौन सा चैनल है हमारे चैनल का नाम बताओ? वाइल्ड वुल्फ जंगली भेड़िया, बताओ ना जंगली भेड़िया। अब इन्हें बात, अब अंकल जो भी आएगा यहाँ पे हम सारे बोलेंगे सिटी लाइट हमारे जम्मू का, ठीक है? तो यहाँ से अंदर वाली साइड भाई गंदा पानी आ रहा है यार, इनसे आपको पता है ना क्या क्या निकलता बाहर, सही में निकलता है गंद सारी ट्रेन की बाहर आ रही है ऊपर से। और लाइट्स देखो भाई गाड़ियों की कितनी प्यारी लग रही है, और ये श्वेता बोल रही है कि कहीं गुम हो जाते हैं भाई, मैंने बोला भाई गुम नहीं होना, घर जाना सीधा ट्रैक। छोटे से एक प्लानिंग करते थे बनाऊं क्या, हां अपने फ्रेंड के साथ, हां क्या हम ना किसी को बोल के खुद को किडनैप करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं कि घर से तो पैसे मांगो और 50-50 कर लेंगे उसको। अच्छा ये प्लानिंग थी तेरी, हां तुझे कौन किडनैप करेगा, मैं करूं? अच्छा ये तो तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है? बाकी मैं तेरे को घर ड्रॉप कर रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करने वाला मैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट करके बताना भाई आज का वीडियो कैसा लगा, और भाई तुम्हारा तुम्हारे लिए डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, डेली मेहनत करते रहेगा ताकि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाए। मेक श्योर अपना जो न्यू सब्सक्राइबर्स है वो भी लाइक कर देना यार, और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ राइड हार्ड, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।